जैसा कि आप भी देख सकते हो मेरे पास एक डिकैथलॉन का। डिकैथलॉन से मैंने 4 दिन पहले एक हेलमेट खरीदा था जो एस्टिमेट डिलीवरी से पहले ही आ गया, जिसका अब मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और देखेंगे इसका फर्स्ट लुक कैसा है, इन हैंड फील कैसा है और साथ ही साथ स्पेसिफिकेशंस भी। आज मेरे पास सब कुछ मैचिंग है। चलिए इसका बॉक्स तो ओपन हो गया, अब अंदर का माल देखते हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी, अंदर का हेलमेट देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हेलमेट एक रैपर के अंदर अच्छे से रैप करके दिया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन मैं YouTube में 2-3 वीडियो देखा था, उसके अंदर कोई रैपर नहीं था, लेकिन डिकैथलॉन वालों ने इसमें रैपर दिया है। अब मैं इसको टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से खोल लेता हूँ। तो ये रहा हेलमेट, इसका मॉडल नेम है रॉक राइडर ST500। जैसा कि आप भी देख सकते हो इसका पैकिंग अच्छा है, इसके अंदर भी प्लास्टिक बबल्स दिया हुआ है। इसके साथ आपको डिकैथलॉन का एक बहुत बड़ा प्रेम पत्र भी मिलता है, जिसमें दिखाया गया है हेलमेट को कैसे पहनते हैं इत्यादि। जैसा कि आप भी देख सकते हो हेलमेट देखने में अच्छा है, लुक वाइज ये बहुत स्टाइलिश है और ये मुझे पर्सनली पीछे से कोई रेड पावर रेंजर की हेलमेट की तरह लग रहा है। आपको इसके दोनों साइड रॉक राइडर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इस तरफ के का निचला वाला हिस्सा उड़ गया है और इसके ठीक ऊपर साइज को दर्शाया गया है और सामने आपको मॉडल नेम मिलेगा लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। आपको इसके साथ एक वाइजर भी मिलता है जो आपके आंखों को बारिश और सन से प्रोटेक्ट भी करता है और ये हिलता भी है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्योंकि ये डिटैचेबल नहीं है, इसीलिए सामने से जब इम्पैक्ट आएगा तब इसका सामने से टूटने का चांस बना रहेगा, जो कि इसका एक डाउन साइड भी है। एंड इनसाइड द हेलमेट 2 सॉफ्ट पैड्स गिवन फॉर बेटर कंफर्ट। एक जो डी अटैचेबल नहीं है जिसको आप निकाल नहीं सकते और एक डी अटैचेबल है जिसको आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो और आप इसे आसानी से लगा भी सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड दिस हेलमेट बिल्ड विद इनमोल्ड टेक्नोलॉजी, इसका मतलब इसका आउटर शेल और इनर शेल एक साथ जुड़ा हुआ है, जो कि इस हेलमेट को और ज्यादा ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसका आउटर शेल स्टैंडर्ड पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है और इसका इनर शेल पॉलीस्टाइलिन फोम का बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं हेलमेट के पीछे की तरफ। हेलमेट के एकदम पीछे मिल जाएगा एक क्लिप जिसमें आप एक लाइट को आसानी से लगा सकते हो फॉर सेफ्टी। ओके, लेट्स बैक टू द वीडियो। और ये हेलमेट डायल अटेंशन सिस्टम के साथ आता है, इसका मतलब आप इस हेलमेट को अपने हिसाब से इस डायलर के हेल्प से टाइट या लूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये फीचर बहुत ही काम का है, इससे आपको एडजस्ट करने का झमेला ही पूरा खत्म हो जाता है। और ये हेलमेट सर के बहुत पीछे तक जाता है, जिससे आपके बैक हेड को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है अन्य कई हेलमेटों से। एंड इट्स सो कम्फर्टेबल टू वेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।